तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग। सबसे पहले तो दोस्तों, आज कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग अपनी अपनी हिफाजत खुद करें, सरकार के भरोसे ना रहें। और दूसरी बात यह है कि जो हम टाइल्स बनाते हैं, जो हम आप देख रहे हो ये टाइल्स जो ये बनाते हैं, और इसकी वीडियो हम अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग समय पर आपको दिखाते रहते हैं। तो ये टाइल्स बनाने की वीडियो तो आपने बहुत देख ली, अब इस टाइल्स को इंस्टॉल करने की वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत से दोस्त बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई जी, आप टाइल्स इंस्टॉल करने की वीडियो कैसे की जाती है, टाइल्स कैसे लगाई जाती है, ये वीडियो आप अपलोड करो। तो ये वीडियो हमने बनाई है और इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, 5 या 6 मिनट की वीडियो है और बहुत ही आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कारपेंटर जिन्होंने कभी टाइल्स नहीं लगाई हैं, वो कारपेंटर अगर टाइल्स देखेंगे लगाते हुए, तो उन्हें ज़रूर समझ में आ जाएगा कि टाइल्स कैसे लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मलिक फर्नीचर हाउस को सब्सक्राइब करें, और मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आपके लिए इसी तरह से आगे भी नई नई वीडियो और आपके तजर्बे के लिए, आपके सीखने के हिसाब से अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। 45,000 लोगों का परिवार हमारा यूट्यूब का हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत प्यार मिला आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको पूरे प्रोसीजर के साथ ये वीडियो दिखा देता हूँ कि ये टाइल्स हम किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं, कैसे ये टाइल्स लगाई जा रही है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये हमने जो रूम के अंदर जहाँ पर हमने ये टाइल्स लगानी है, यहाँ हमने बेस आप देख सकते हो कि प्लाई का बेस दे दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टीवी एलईडी पैनल बन रहा है, यहाँ पर टीवी एलईडी पैनल बन रहा है, और इसके ये चारों तरफ जो बेस बना है, ये आप देखिए जो प्लाई का बेस बना हुआ है, यहाँ पर ये इसके चारों तरफ टाइल्स लगेंगी, और ये बीच में एलईडी पैनल बनाया जा रहा है, एलईडी पैनल्स यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ पूरा, यहाँ पर ये हमने पूरा जो बेस बनाया है इसका, ये कितने mm प्लाई मिस्त्री साहब लगाई है, 12 mm प्लाई के साथ इसका हमने बेस बनाया है। ये 12 mm प्लाई के साथ बेस बनाया गया है। अब हमारे मिस्त्री यहाँ पर जो इसको लगा रहे हैं, ये आप देखिए। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये कैसे लगाई जा रही है। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर, हमारे को आपने टाइल्स बनाते हुए देखा है, लेकिन लगाते हुए कहीं नहीं देखा। आज मैं आपको पहली बार ये दिखा रहा हूँ कि ये टाइल्स किस तरह से लगा, ये देखिए लाइव बिल्कुल आपको किस तरह से ये टाइल्स लगाई जाती है। आज मैं आपको पहली बार अपने चैनल पर ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से फेविकोल लगा दिया है, और यहाँ दीवार पर ये ऐसे टेक दिया है। अब इसको छोटी वाली की यहाँ पर ये इसको लगा दिया, दिखाइए आप कैसी कीले हैं। यहाँ पर हाथ में लेकर के कीले दिखाइए आप, हाथ में लेकर के, ये कितने नंबर की कीले है, 17 नंबर। ये आप देख सकते हो, जो हमने इसको फेविकोल लगाने के बाद, इसको चिपकाने के बाद जो हमें कील लगानी है, ये 17 से 18 नंबर की ये कील आप देख सकते हो। ये कीले हमें इसको बारीक 5 या 6 कीले लगा देनी है। हाँ, अब ये दूसरा प्रोसीजर, पहले आपको ये देखिए, पहले आपको टाइल्स को लगा के देख लेना है, मिला के देख लेना है, मिला के इसका ग्रुप मिला के देख लेना है टाइल्स का,
ज़्यादा बेटर है। ये लगा दिया है, अब इसको यहाँ ये चिपका दिया, ये चिपका दिया है टाइल्स, ये देखिए आप, ये पूरी टाइल लगाई जा रही है। बाद में चिपकाने के बाद में फेविकोल से कारपेंटर हमारे जो पूछते हैं, जो हमारे भाई पूछते हैं, भाई ये किस तरह लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, तो आज मैं ये पूरा आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि हम ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे टाइल लगा रहे हैं। लगाते हुए आपको मैं बराबर टाइल दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये टाइल रखी हुई है। पहले आपको एक टाइल मिला के देख लेनी है सही तरह से, ऊपर नीचे हो तो रंदा भी लगा के देख लेना है, वैसे ज़्यादा रंदा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये थोड़ा इसमें कहीं अगर फर्क मालूम हो रहा है तो इस पर ये देखिए, अगर किसी टाइल में थोड़ा फर्क आ जाता है तो पहले आप उसको बदल लें और उस पर, हाँ ये बिल्कुल फिट बैठ गई है। ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल फिट आपको टाइल ये लगा के दिखाई जा रही है, ये फिट बैठ गई है, ये देखिए। यहाँ पर ये टाइल रखी हुई है, अगर कहीं पीस मिलाने में आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, इधर उधर हो रहा है, तो आपके पास में रंदा रखा हुआ है, इस रंदे से आप लगा करके, ये देखो हाँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसको आप सही बिठा सकते हो। और इधर फेविकोल फैला के लगाना है पूरा, यहाँ पर ये जो चारों तरफ से पकड़ हो जाए सही करके इसको, ये इस तरह से, ये देखिए ये किस तरह ये लगाया फेविकोल, हाँ ये फेविकोल पूरा इस तरह से फैला के लगा लेना है, ये फेविकोल फेविकोल और ये देखिए ये लगा, ये अभी छत का काम चल रहा है, इस पूरी छत पर ये टाइल्स लगाई जाएंगी। 11x12 की ये छत है, जो इसका बेस बनाया गया है वो 12mm की टाइल से बनाया गया, 11x12 की छत है और इसका बेस जो बनाया गया है ये प्लाई से बनाया गया है, और यहाँ इसके साथ में इस दीवार को दिया गया है जहाँ पर ये टीवी यूनिट आना है, यहाँ पर ये देखिए एलईडी पैनल, यहाँ पर ये एलईडी पैनल आएगा, ये सारा वर्क चल रहा है, ये आप देख सकते हो, ये किस तरह से ये लगाई जा रही है, यहाँ ये देखिए लगाते हुए मैं आपको पूरा। तो ये कारपेंटर जो हमारे भाई जिनको अपने घरों में लगवाना है, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख सकते हो, और अगर कोई कारपेंटर आपको जो ये किचन कपबोर्ड का काम करते हैं वही कारपेंटर इस काम को, इस वर्क को कर देंगे, वही कारपेंटर इस वर्क को कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी और ये वर्क हमारा कैसा लगा, ये देखिए बराबर वर्क चल रहा है, एक एक टायल स्टेप बाई स्टेप ये लगाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये किसी भी कारपेंटर को दिखा दीजिए आप लगाते हुए, ये मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी है अपनी, ये इस तरह से लगाई जाती है, पहले प्लाई का बेस आपको सही तरह से लगा लेना, ये देखिए आप सही तरह से बिल्कुल पूरा प्लाई का बेस ये बना हुआ है, और उसके बाद में ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर, अब यहाँ जो ये खाली जगह लगी हुई है यहाँ पर ये टाइल्स आ गई है, और ये जो खाली जगह बची हुई है थोड़ा यहाँ पर आपको आधा पीस काट करके इसको लगा देना है, यहाँ पर ये आधा पीस आएगा तो ये आधा पीस काट करके यहाँ पे लगा देना है, बाकी सब चंगा से, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा वर्क मैंने आपको दिखा दिया, कैसा लगा, अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।